माघ मेले का दूसरा पर्व मकर संक्रांति का पर्व है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से संगम तट पर और अन्य स्नान घाटों पर आकर स्नान कर रहे हैं। इन श्रद्धालुओं को संगम तट पर या अन्य स्नान घाटों पर तक जाने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, इनका आवागमन सुगम हो सके, इस उद्देश्य से इनके आवागमन के मार्ग निर्धारित अलग अलग करते हुए व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की गई हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से हम उनको अवगत करा रहे हैं कि उनको किस प्रकार से संगम तट पर या निशान घाटों तक जाना है। ये व्यवस्था सुगम आवागमन देने की इस उद्देश्य की गई है कि वो सहूलियत से इन निशान घाटों पर पहुंच सकें और कोई स्टैम्पीड आदि की घटना ना हो। जब वो अपनी आस्था की डुबकी संगम तट पर और निशान घाटों पर करें तो उनको स्नान सुरक्षित प्रदान करने के लिए हम लोगों ने रिवर लाइन्स के साथ साथ फ्लड कंपनीज के जवानों की नियुक्ति की है। साथ ही साथ डीप वाटर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है, उसमें जाल लगाया गया है और फ्लड कंपनीज के जवान, जल पुलिस के जवान, एसडीआरएफ की टीम्स और एनडीआरएफ की टीम्स रिवर लाइन के साथ साथ व्यवस्थापित हैं। पूरे मेले क्षेत्र में हम लोग इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में 200 सीसीटीवी कैमरों के आसपास की फीड हम लोग लगातार ले रहे हैं। ड्रोन का प्रयोग कर रहे हैं, यद्यपि आप देख रहे हैं कि काफ़ी घना कोहरा है। सीटीओं का प्रयोग हमारे जवान चाहे जल में हो चाहे थल में हो कर रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा को विशेष ध्यान रखा गया है, जो हमारे चेंजिंग रूम्स हैं इनके पास महिला पुलिस का व्यवस्थापन किया गया है।
जो हमारे महिला मित्र हैं और जो महिला मेला मित्र हैं उनको महिलाओं के चेंजिंग रूम्स के आसपास उनका व्यवस्थापन किया गया है। सामाजिक संगठनों का सहयोग हम लोग ले रहे हैं, जो इसमें सिविल डिफेंस के लोग हैं, अन्य सामाजिक संगठन के लोग हमारे साथ अपना योगदान दे रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने इस प्रकार सुनिश्चित की है जिससे कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आए वो अपना उद्देश्य पूर्ण करके अपने गंतव्य को सुरक्षित वापस जा सके।